बहुत से ऐसे लोग कि जब वो इंग्लिश का कोई सेंटेंस लिखते हैं तो एक छोटी सी गलती की वजह से उनका सारा का सारा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग जो समझते हैं कि हमारी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोल भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं, तो जब वो देन और देन को यूज़ करते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं और उनका जो सेंटेंस है वो इंटायरली डिफरेंट मीनिंग देना शुरू कर लेता है। जब भी हम किसी को टेक्स्ट मैसेज कर रहे होते हैं या मेल कर रहे होते हैं या इवन जब हम अपनी क्लास की प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं देन के इस्तेमाल में। जहाँ पर हमने इस वाले देन को इस्तेमाल करना होता है वहाँ पर हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं, जहाँ हमें इस देन को इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ पर हम इस देन को इस्तेमाल कर देते हैं, और जिससे कि हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी ये गलती करें। नो डाउट कि इनकी प्रोनंसिएशन सेम है, इन दोनों देन की प्रोनंसिएशन सेम है, बट इनका जो मीनिंग है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दोनों देन्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। ये जो पहले वाला देन है टी एच ए एन वाला, इसे हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए। जब भी दो चीज़ों के दरमियान हमने कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है दो चीज़ों को, उनके दरमियान फ़र्क तलाश करना है, तो फिर उसे हम देन से टी एच ए एन से उनका जो डिफरेंस है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद इज़ वाइज़र देन अली। अभी अहमद और अली के दरमियान हमने जो फ़र्क है उसे टी एच ए एन से वाजे किया है। अभी जो दूसरा देन है टी एच ई एन वाला, वो यूज़ होता है कि किसी भी मोमेंट के बाद क्या हुआ था या क्या होगा या क्या हो रहा है उसे हम डिस्क्राइब करेंगे टी एच ई एन से। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ जिससे क्या क्लियर हो जाएगा। इफ़ ही कम्स टू मी देन आई विल हेल्प हिम। सही है जी, अगर वो मेरे पास आया तो मैं उसकी ज़रूर मदद करूँगा। ठीक है, अभी ये एक बेसिक सी एग्जांपल थी। अभी हम मज़ीद इसको समझने के लिए कुछ डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि आपको देन और देन में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा।